हाय, दिस इज मोहित परमार और आप देख रहे हैं PNTV। बहुत ढेर खोल लिया तुमने हमारी जिंदगी, अब फुल एंड फाइनल हमारी जिंदगी से निकल, कभी तेरी शक्ल मत दिखाना मुझे। देख हमारा रक्त तमाचा तेरी बेटी ने उसे। नहीं नताशा जी, आप मेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ। आप बहुत बुरी हो, आपने मुझे सुनाया था, आप गंदी आंटी हो, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे ये सब पसंद है, मुझे बहुत प्यार है उनसे, ये पूरी मेरी फैमिली है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जाने भी नहीं। खुशियाँ, क्योंकि श्वेता से तलाक हो गया है, लेकिन मेरा परिवार वाले खुश हैं कि श्वेता नाम की व्याधि जो है हमारे लाइफ से जा रही है। लेकिन इसके बीच कुछ ऐसा हुआ है कि प्रेरणा मेरे से दूर चली गई है, तो मुझे उस चीज़ की भी टेंशन है, और शायद प्रेरणा मेरे साथ शादी भी ना करे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। खुशी तो है इस बात को कि श्वेता लाइफ से जा चुकी है, लेकिन साथ में प्रेरणा भी जा चुकी है, तो उसका भी दुख है। लेट्स सी अब क्या होता है, कैसे प्रेरणा मेरे लाइफ में वापस आती है और श्वेता की क्या चाल होती है। हाँ, एक अच्छी बात इसमें एक ये हुई है कि श्वेता ने छुटकी को लेके जाने की कोशिश की, तो छुटकी ने बोल दिया कि मेरा यही घर परिवार है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। और साथ में चीकू ने भी श्वेता को खरी खोटी सुना दी, जिससे श्वेता चिढ़ गई और चली गई गुस्से से, और बच्चे हमारी लाइफ में आ गए। पर वही है कि अभी तो सब सही दिख रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, वी डोंट नो। और चीकू अभी धर्म भाभी से बात नहीं कर रहा है, लेकिन चीकू ने बोला कि मेरे लिए यही परिवार, मेरे लिए सब कुछ है, मैं यहाँ रहूँगा। और छुटकी ऋषिता के पास वापस आ गई, और भले श्वेता ने ऋषिता को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन ऋषिता ये पक्का याद रखेगी कि धरा ने अपनी किडनी दी है छुटकी के लिए, तो शायद ऋषिता श्वेता की बात को ना माने। मुझे आप पसंद नहीं हो, और ना ही ये पसंद है। हम लोग ने